हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन 37 ऑफ केबीपी बाय एसएक्स क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज हेल्ड इन ईयर 2016. सो लेट्स ऑब्जर्व व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस ऑफ वेवलेंथ 440 नैनोमीटर इज प्लेस्ड स्लाइटली अबव अ प्लेन मिरर एम एज शोन इन द व्हील. इमेज ऑफ एस इन एम कैन बी यूज्ड एज अ वर्चुअल सोर्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. डिस्टेंस ऑफ सोर्स from O is 20 centimeter and the distance of screen from O is 100 centimeters, okay? And figure obviously is not to scale. Theta ki value bhi given hai, that is half times 10 to the power minus 3 radians and width of interference fringes humse pucha gaya. So basically yahan par hone kya wala hai ki yahan par jo source S hai uski ek image niche form hogi, let us say S dash, theek hai? Agar ye distance main R maan leta hu, the vertical distance between mirror and source, तो नीचे वाली डिस्टेंस भी आर होगी. सो टोटल डी की वैल्यू 2R हो जाएगी, राइट? एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इन फ्रिंजेस के या सोर्सेस से और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये होगा 100 सेंटीमीटर्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लस ये वाली डिस्टेंस, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्स, ओके? सो यहाँ पर मुझे स्मॉल डी एंड कैपिटल डी अगर किसी तरह से पता चल जाए तो तब मेरा काम हो गया. क्यों? क्योंकि उसे फिर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंजेस में जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन है उसमें पुट करना है. सॉरी माय बैड, दिस इज कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, एंड इस इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे. नाउ पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, हम कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कैसे निकालें. सो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर पॉइंट ओ सेंटर की तरह हम अज्यूम करें एंड ओ एस डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर रेडियस तरह अज्यूम करें तो फिर यहां पर जो आर्क लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर है, राइट? सो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एस एस डैश वैल्यू यानी कि डी को सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे और प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा होगा, वेयर थीटा बहुत स्मॉल होने के कारण से हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा अज्यूम कर लेंगे. सो आप जिस भी तरीके से सोचें आंसर आपके पास स्मॉल डी के लिए वही आने वाला है, राइट? नाउ व्हाट अबाउट एक्स? अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर, दैट इज एस ओ डिस्टेंस. प्लीज रिमेंबर एस ओ डिस्टेंस को मैं आर अज्यूम कर रहा हूं यहां पर. सो आर कॉस थीटा, राइट? अगेन ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर सिंस थीटा बहुत ज्यादा छोटा है सो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा एंड ये क्वांटिटी एक्स की क्वांटिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर होगी एंड देयरफॉर कैपिटल डी विल बी इक्वल टू आर प्लस 100 सेंटीमीटर्स. ऑब्वियसली आर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, राइट? सिमिलरली डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आर विच इज 20 सेंटीमीटर्स टाइम्स थीटा, जो कि गिवन है हाफ टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3, राइट? सो आपके पास ये क्वान्टिटी आ जाएगी, दैट विल बी 20 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर्स. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू सेंटीमीटर्स में ली है, कैपिटल डी या स्मॉल डी दोनों सेंटीमीटर्स में आ रहे हैं एंड देयर फोर बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे दैट विल बी लैम्डा विच इज 440 नैनोमीटर्स विच इज 10 टू द पावर माइनस 9, कैपिटल डी इज 120 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी का कैंसिल आउट हो जाता है एंड देयर फोर ये सारा एक्सप्रेशन सिर्फ मीटर में बचेगा विच इज द यूनिट ऑफ लैम्डा, राइट? सो आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हम इसे अगर रीअरेंज कर यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं सो दिस बिकम्स 6 टाइम्स मीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एमएम. अगर हम यहाँ पर 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं सो आपके पास इसे सॉल्व करने के बाद में फाइनली 2.64 मिलीमीटर्स आएगी एज अ वैल्यू ऑफ बीटा, ओके? सो दिस इज going to be your answer. Option B, I think, will be correctly matching here. Okay? So, आप सभी को समझ में आया होगा कि ये question deal करना बहुत मुश्किल नहीं था. It was a straightforward question. And वेदांत विकलव्य के बारे में आप please Google search करें. Best of luck.